बात नहीं रहने। निश्चित रूप से जिस तरह से अतुल यदवंशी भाई मौजूद है मंच पे, ये अपने आप में एक ऐसा नाम है जिनके नाम से लोक कला को अब जाना जा रहा है। मैं अगर सच कहूँ तो लोक कला और अतुल यदवंशी एक तरह से एक ही रूप से याद किए जाते हैं, और वो इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि यह काम बहुत आसान नहीं है। बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक का जो ध्यान रखे, जो अपनी कलाओं के प्रति समर्पित हो, अपने देश के प्रति समर्पित हो, इनके कार्यक्रमों में, इनकी नौटंकी में, इनकी प्रस्तुतियों में हमारा देश बोलता है, हमारे देश की बात होती है। कोई भी स्कूल हो, किसी माध्यम का हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, किसी राज किसी दूसरी भाषा का भी हो, क्योंकि हमारे देश में गुलदस्ता है, यहाँ तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह के पहनावे हैं, लेकिन हम एक रहते हैं, एक जबान में बात करते हैं। इंसानियत के हक में एक ऐलान होना चाहिए। यह आपका स्कूल है, यहाँ से भी आपको यही वैल्यूज मिलती है कि किस तरह से अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने नेशन को हमें सहयोग करना है, नेशन का मान रखना है। इंसानियत के हक में यह ऐलान होना चाहिए, कोई भी हो पहले वो इंसान होना चाहिए। धर्म, जाति, भाषा, मजहब, इसकी बातें बाद में, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है।
भी मोगले जी को बुलाते हैं कि वो आज यहाँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए वो आए हैं। नमस्कार। कला और संस्कृति की प्रगति एवं जागरूकता के लिए संस्था स्वर्ग के विषय हम लगातार स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक कर रहे हैं अपनी कला और संस्कृति। आज मोरेना स्कूल के प्रधानाचार्य अजरा हसन जी को मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और सारे स्कूल के स्टाफ का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमें सहयोग दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने। मैं इस चित्रकला प्रतियोगिता के जज कुमार अमरेंद्र सिंह, वरुण जी एवं जतिन जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ एवं हमारी सेमिनार के वक्ता डॉक्टर शलेश गौतम और वरुण जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ एवं संस्था स्वर्ग के निदेशक एवं हमारे पथ प्रदर्शक श्री अतुल यदवंशी जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बच्चों को कला और संस्कृति के प्रति जोड़ा और हमारे सभी कलाकार जिन्होंने आज यहाँ पर गायन और नृत्य प्रस्तुत किया मैं सभी को भी धन्यवाद देती हूँ इसी के साथ इस प्रोग्राम का।